नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे इस लैपटॉप के बारे में जो कि HP का है। इसका फुल रिव्यू, डिटेल रिव्यू आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ दोस्तों, मैं काफ़ी कुछ नए से नए लैपटॉप्स की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें। और दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो किसी भी ऐप से रिलेटेड, रिव्यू से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप हमें बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि आपकी प्रॉब्लम के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूं और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज मैं आपके लिए ले आया हूं ये एक लैपटॉप है जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। आप चारों तरफ से इस लैपटॉप को देख सकते हैं, ये फ्लिपकार्ट से हमने मंगवाया है, अभी तक इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करी है, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। इससे पहले भी मैंने एक लैपटॉप डाला था, अगर आपने नहीं देखा तो उस लैपटॉप को ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम इस इरेजर से, इस कटर से हम इसको काट लेते हैं, यहाँ से इसकी ओपनिंग कर लेते हैं। देखिए, इसके बाद में इधर से मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ और ये अब हमारा यहाँ से ये ओपन हो चुका है। अब बात करी जाए इस बिल की। सबसे पहले इसकी जो बिलिंग है ये 21,865 रुपये की आ रही है। फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी बिलिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी बिलिंग 21,865 रुपये की इसकी बिलिंग है। देखिए, नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसको एक तरफ रख देते हैं। इसके साथ ही अब इसको ओपन कर लेते हैं, इस बॉक्स के अंदर देखते हैं कि हमें क्या क्या नज़र आता है। डिब्बे में डिब्बे के साथ एक और डिब्बा हमें यहाँ पर नज़र आ जाता है। और फिलहाल इसके अंदर ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ये बॉक्स पूरा के पूरा खाली है। चलिए इस बॉक्स को एक तरफ रख देते हैं और अब देखते हैं हम इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने के लिए इसके फीचर्स आप सभी को मालूम होंगे, मालूम नहीं हो तो आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिलहाल इसकी प्राइस इसमें 29,000 की है, लेकिन अगर आपने इसका जो बिल देखा है उस बिल में आपको इसकी प्राइस मालूम ही है 21,865 रुपये की। तो फिलहाल हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, यहाँ से इसको कट कर लेते हैं इस तरफ से। तो यहाँ से इसकी कटिंग स्टार्ट करी जाती है, ये देख के दोस्तों। ऐसे हम काफ़ी नए से नए लैपटॉप और काफ़ी नई से नई चीज़ों की अनबॉक्सिंग लाते रहते हैं। अगर आप हमारी अनबॉक्सिंग को देखते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है। तो यहाँ से इसको हमने ओपन कर लिया है, आपको ये नज़र आ जाता है ओपन होते हुए। अब हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इस लैपटॉप को। यहाँ पर हमें इसका जो चार्जर है, ये ड्यूअल चार्जर है एडाप्टर समेत, तो ये वाला चार्जर हमें देखने को मिल जाता है। इस ये चार्जर आपको 65 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलेगा। फिलहाल इसकी स्पेसिफिकेशन इस टाइप से कनेक्ट करके आप इसका उपयोग कर पाएंगे। चलिए इसको एक तरफ रख देते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर इसके अनबॉक्सिंग में सबसे पहले हमें यहाँ पर इसकी यूज़र मैनुअल्स देखने को मिल जाती है। ये यूज़र मैनुअल्स आपको HP की रहेगी, इसका किस प्रकार से यूज़ करना है, चार्जिंग किस प्रकार से करना है, सब कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसको भी एक तरफ रख देते हैं। इसी के साथ देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ से अब हम इसकी फर्स्ट अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो ये है हमारा लैपटॉप ऑन हो जाता है और बाकी इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। चलिए इसको इसके ऊपर रख देते हैं, अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर इस बॉक्स को ऑन कर लेते हैं इस टाइप से, इन दोनों को निकाल देते हैं यहाँ से, और ये हमारा जो लैपटॉप है हमारे सामने यहाँ पर नज़र आ जाता है। ब्लैक कलर का लैपटॉप है, ये अलग अलग कलर्स में आपको देखने को मिलेगा। आप जो भी कलर्स लेना चाहते हैं वो इच्छा आपकी रहेगी, आपको जो भी कलर्स लेना है। तो चलिए यहाँ पर इस लैपटॉप को हम ऑन कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर इसकी जो टेप लगी हुई है इसको निकाल देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये टेप लगी हुई है HP की, तो ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिया अब हमने, और ये लैपटॉप हमारा यहाँ से ऑन हो जाता है।
तो चलिए इस लैपटॉप को, ये विंडोज़ 10 को सपोर्ट करता है और यहाँ पर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, वेट, सब कुछ काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है। इस पॉलीथीन को एक तरफ रख देते हैं तो इसको अगर देखा जाए तो इस तरफ से यहाँ पर आपको एक HDMI का पोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट देखने को मिलता है जो कि रहेगा दोस्तों सी पोर्ट फैसिलिटीज़, और यहाँ पर आपको एक वो देखने को मिल जाता है जिसका आप उपयोग कर पाएंगे ईथर केबल को कनेक्ट करने में, यहाँ आपको ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। दूसरी तरफ की बात करी जाए इस साइड के, तो यहाँ पर आपको जो मेन कार्ड होता है बड़ा वाला वो लगाने का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और 2 USB पोर्ट्स आपको इसके अंदर नज़र आ जाते हैं। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको हीटिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है जहाँ से आपकी हीटिंग एयर्स निकलेगी, और उसके साथ ही ये लैपटॉप अब हमारे सामने आ जाता है कुछ इस प्रकार से। टन टन, इसके अंदर ये पॉलीथीन हमको देखने को मिल जाती है, इसको एक तरफ रख देते हैं और ये है नया लैपटॉप, आप देख सकते हैं इसको। सबसे पहले अगर आपको बात बताऊं तो इसके अंदर यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के अंदर आपको इसकी साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है, यहीं से ही ये साउंड को प्रोवाइड कराएगा। प्रेस करेंगे ये आपका जो लैपटॉप है ये ऑन हो जाएगा, अभी देखते हैं इसको ऑन करके। तो दोस्तों इसको हमने पावर से कनेक्ट कर दिया है क्योंकि इसके अंदर पावर नहीं थी फिलहाल, जैसे ही ये चार्ज हो जाता है उसके बाद हम इसका सेटअप्स आपको बताएंगे। देखिए अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर HP की ब्रांडिंग्स आपके सामने शो हो रही है, इधर से पावर सप्लाई इसको देखने को मिल रही है। अब ये लैपटॉप ऑन होने में कुछ समय का वेट लगाएगा, उसके बाद में ये लैपटॉप हमारा ऑन हो जाएगा, और ऑन होने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर आपको देखने को मिलती है तो यहाँ पर ये लैपटॉप की काफ़ी फैसिलिटीज़ आपको इस बॉक्स के अंदर, फ्रंट वाला जो ये बॉक्स होता है इस बॉक्स में आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप इस बॉक्स की साइड पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर आपके सामने इस बॉक्स में यहाँ इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाती है। वो AMD प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 3020E APU पर बेस्ड है, और ये 1 TB हार्ड डिस्क आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, और इसके अंदर विंडोज़ 10 का सपोर्ट रहेगा। साथ ही ये 4GB रैम रहेगी, DDR4 इसके अंदर देखने को मिलेगी, और ये 15.6 इंच का लैपटॉप है। इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको मिल चुकी है। अब बात करते हैं इस लैपटॉप की खासियत की। देखिए इसमें विंडोज़ 10 ऑफिशियल विंडोज़ 10 आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी जो फिलहाल ऑटोमेटिकली यहाँ से देखिए कनेक्टेड आई हुई है, और ये अभी स्टार्ट होने में कुछ समय का वेट लगाएगा। उसके बाद में आपको काफ़ी कुछ सॉफ्टवेयर्स जैसे डाउनलोड करने होते हैं, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड करना है वो अलग से इंस्टॉल करोगे अगर आप इसमें नहीं आया होगा तो। काफ़ी कुछ सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करते हैं जो इसके अंदर नहीं आए होंगे तो उनको यूज़ करोगे। ये AMD Ryzen पर बेस्ड है, आपको i3 के अंदर चाहिए या i5 i9 i7 जो भी चाहिए वो आप i7 उनमें भी ले सकते हैं। काफ़ी नए से नए लैपटॉप्स की हम अनबॉक्सिंग करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर आप हमारे नए से नए लैपटॉप्स की अनबॉक्सिंग जरूर देखें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये लैपटॉप आपको अमेज़ोन पर भी देखने को मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पर भी देखने को मिल जाएगा। मैं आपको केवल और केवल अमेज़ोन का लिंक प्रोवाइड कराऊँगा क्योंकि अमेज़ोन से हमें एफिलिएट कमीशन मिलता है, तो अगर आप अमेज़ोन से लेना चाहते हो अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट से। अगर आप हमें कमेंट करते हो कि हमें फ्लिपकार्ट का बताइए तो मैं आपको फ्लिपकार्ट के भी लिंक नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, आपको जिस भी ऐप पर चाहिए मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसको फॉलो करके इन्हें बाय कर पाएंगे। लैपटॉप के फीचर्स आप जान चुके हैं, अगर आपको इस लैपटॉप की खासियत जाननी है तो देखिए दोस्तों लैपटॉप की अनबॉक्सिंग के बाद में इसके अंदर क्या क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा ये लैपटॉप के यूजिंग के बाद में पता चलेगा। हम इस लैपटॉप को एक दो दिन यूज़ करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है। ये आपकी इच्छा है कि अगर आप इस लैपटॉप को लेना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके इस लैपटॉप को बाय कर सकते हैं। अदर फीचर्स जो भी जानना है आपको इस लैपटॉप के, इससे पिछले वाले लैपटॉप के, तो आप मुझे बेस्ट तक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि आपको नए से नए फीचर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये वीडियो केवल और केवल अनबॉक्सिंग थी, इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन एंड रिव्यू मैंने आपको दिया है, बाकी इसके बारे में अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन जाननी है, डिटेल रिव्यू जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए ताकि आपकी प्रॉब्लम के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं और आपको इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको बता दें। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।